जैसा कि आप सभी क्रिकेट प्रेमी जानते हैं कि इस समय भारतीय क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर टेस्ट मैच, वनडे और 2020 मैच खेलने गई हुई है। आज 12 जनवरी 2019 को सिडनी में पहला वनडे ऑस्ट्रेलिया ने भारत से 34 रनों के अंतर से जीत लिया है। ऑस्ट्रेलिया की ओर से 26 रन देकर 4 विकेट लेने वाले जय रिचर्डसन को मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया। सिडनी वनडे मैच में 289 रनों का लक्ष्य लेकर उतरी भारतीय क्रिकेट टीम 50 ओवर में 254 रन 9 विकेट पर का स्कोर बना सकी और मैच 34 रनों से हार गई। इस जीत के साथ ऑस्ट्रेलिया ने 3 मैचों की वनडे सीरीज में 1 मैच की बढ़त बना ली है। हालांकि भारतीय क्रिकेट टीम ने शुरुआत में 4 रनों पर 3 विकेट गंवा दिए थे, तब ऐसा कतई नहीं लग रहा था कि ये मैच इस लक्ष्य तक पहुंचेगा, लेकिन रोहित शर्मा और महेंद्र सिंह धोनी ने चौथे विकेट की साझेदारी में 137 रनों के साथ भारतीय क्रिकेट टीम को मैच में वापसी कर दी। धोनी 51 रन बनाकर आउट हुए और वहीं दूसरी ओर खेलते हुए रोहित शर्मा को किसी और का अच्छा साथ नहीं मिला। फिर भी आखिरकार उन्होंने रोहित शर्मा ने 129 गेंदों पर 10 चौकों और 6 छक्कों की मदद से 133 रनों का मैराथन पारी खेलकर आउट हुए और 7वें विकेट के रूप में पवेलियन वापस लौटे। भुवनेश्वर कुमार ने नाबाद रहकर 29 रनों की पारी खेलकर कुछ दम दिखाया, लेकिन वह 34 रनों की हार नहीं टाल सके और उन्होंने 23 गेंदों पर 4 चौकों की मदद से ये पारी खेली। अब आगामी बचे 2 वनडे मैचों में भारत को अपना अच्छा प्रदर्शन दिखाना पड़ेगा, तब जाके वह सीरीज को जीत सकेगी। अभी आपने देखी खबर SS की एक रिपोर्ट। देश विदेश की इसी तरह की मनोरंजक और ताजी खबरों को देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और खबर SS की सारी अपडेट समय समय पर पाने के लिए कृपया बेल आइकन दबाना ना भूलें।